दुआ साहब, आप बिहार में आए हैं। आपको मैं लगभग 30 वर्षों से जान रहा हूं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश विदेश में घूम चुके हैं। आप एक बैक राजनीति में आए, आप क्या देखते हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया। मैं 31 वर्षों से मानवाधिकार की काम कर रहा हूं, भारत का रिफॉर्मर हूं ह्यूमन राइट्स का। मेरे 7 लाख हमारे भारत में कार्यकर्ता हैं, 700 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, सेंटर्स हैं और 13 देशों में काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और उस सिनेरियो को देखते हुए जहां हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वहां हमारे सभी साथियों ने सबका विचार के बाद ही ये तय किया गया कि अगर पावर और सम्मान राजनीतिक में ही है तो क्यों ना हमें इसके अंदर जाना चाहिए। लोगों को, अच्छे और सच्चे लोगों को, जो ग्रेजुएट लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पार्लियामेंट में भेजना चाहिए ताकि हम डेमोक्रेसी को बचा सकें। आप युवाओं को आगे करना चाहते हैं जी। एक बात बताइए, आप राजनीति में गंदे खेल खेले जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गंदगी तो पार्लियामेंट में है और विधानसभा में भी है, हर जगह है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहते रहें कि गंदे खेल हो रहे हैं या गंदे खेले जा रहे हैं, तो जिस तरह से नाली को साफ करने के लिए नाली के अंदर उतरना पड़ता है, बाहर से देखने से अगर हम कहेंगे कि गंदगी है तो और गंदगी बढ़ते जाएगी। और उसी गंदगी को साफ करने के लिए उस नाली, उस पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने की ज़रूरत है अच्छे लोगों को, ताकि जो गंदे लोग हैं उनको बाहर कर सके। और इसी उद्देश्य से मैं बिहार में आया हूं कि यहाँ की जो राजनीतिक है वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए या बिहार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ के नौजवानों को सही दशा दिशा मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके, किसान और जवानों की समस्याओं का समाधान हो सके, बच्चों और बुज़ुर्गों की समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं इस मिट्टी से ही जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो एक NRI होने के नाते हमारे साथ बहुत सारे RK शर्मा और सारे लोग NRI लोग हैं, और हम लोगों ने सोचा है कि बिहार की अस्मिता को बचाने की ज़रूरत है। जहाँ बिहारी शर्म से गाली महसूस करता है, वो बिहारी, बिहार के लोग अपने आप को ही कहें कि मैं बिहारी हूँ और वो शान की बात हो, और ये हमें देश विदेशों में सुनने को मिलता है। इसलिए बिहार को बदलने की ज़रूरत है, विकास की ओर ले जाने की ज़रूरत है। और बिहार की जो इतिहास रही है, जो पूरे भारत में या विदेश में, उसे आगे ले जाने की ज़रूरत है। सर, सामाजिक न्याय के तहत आपने बिहार में अपना कदम रखा है। यहाँ बताया जाता है कि गुंडों का राज चलता है, जेल में बैठ के लोग राजनीति करते हैं, आप इससे कैसे निपटेंगे? इससे हम बहुत ही शांति प्रिय, हम लोग मानवाधिकार के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम किया है। हम लोग बिना जात, बिना छुआछूत, बिना ऊंच नीच, बिना मंदिर, बिना मस्जिद, हमने सर्वहारा सभी मानव के मानवीय विकासों के लिए काम किया है। ये गुंडे बदमाश जो हैं, जब हम इनके बीच में आएंगे तो ये एक मिनट भी नहीं ठहर पाएंगे, और इन्हें ही भगाने के लिए, इनको साफ करने के लिए राजनीतिक में आहरा नेशनल पार्टी ANP आई है, जिसकी चुनाव चिन्ह आपके देख रहे हैं कि डिसेंटिना है, अभी हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है। और इसी आधार पे बिहार में 40 सीटों पे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं। कोशिश है कि हमारी ये पहली कदम बहुत अच्छा होगा, कामयाब होगा आपके सहयोग से। अज्ञात सूत्रों से पता चला है आप देश भर में अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, संख्या क्या होगी जरा बताइए लोगों को। अभी हम लोग चूँकि 2 महीने से काम कर रहे हैं, हालांकि हमारी ये पार्टी 2009 में रजिस्टर्ड हो गई थी, लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे विचार मंथन और काफ़ी भारत के भ्रमण और लोगों की समस्याएं और उनके इरादों को देखते हुए हमने तय किया कि ये 2019 का इलेक्शन पूरे भारत में लड़े। और अभी तक हमारी तैयारी 200 के करीब करीब है, हो सकता है थोड़ा आगे जाए या थोड़ा पीछे जाए, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर हम लोग साउथ इंडिया और नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में भी हम लोग कर रहे हैं। बिहार में 40, UP में भी हम लोग काफ़ी संख्या में खड़ा करने जा रहे हैं। हमारे कर्नाटका के 28 से 28 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं।
आंध्रा और तेलंगाना में हमारे 12-13 कैंडिडेट अभी तक फाइनल हो चुके हैं। बंगाल में भी हमारे 13-14 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। आसाम में 4 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 6 कैंडिडेट्स हो चुके हैं और हम लोग हिमाचल में भी बातचीत चल रही है। इस तरह से करीब करीब सभी राज्यों में अहरा नेशनल पार्टी एनपी उतरने जा रही है। आप पूरे भारतवर्ष में लड़ रहे हैं चुनाव, आपकी पार्टी लगभग 200 सीटों पर खड़ी हो रही है, तो आप हमें ये बताइए कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हर एक राज्यों में है, उससे देश का भला हो सकता है क्या? मैं जानता हूं कि भारत में 2400 पार्टियां रजिस्टर्ड है और इलेक्शन कमीशन जो बड़ी पार्टियां हैं उसको रिकॉग्नाइज पार्टी मानती है और बाकी को अनरिकॉग्नाइज पार्टी मानती है, उसमें मैं भी हूँ। मैं समझता हूँ कि सभी की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने तरीके से वो आगे डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ग्रास रूट से कोई भी पार्टी काम नहीं किया और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 31 वर्षों से भारत के अंदर सेवा किया, मैंने कहा पहले ही कि 7 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं, 700 से ज़्यादा हमारे यूनिट सेंटर्स हैं और 13 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो ग्रास रूट पे जो काम किया है उसका ही फल है कि हम लोग पूरे भारत में एक साथ उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे बहुत ही मारामारी है, बहुत पैसों की गेम है, जहाँ पे सत्ता पक्ष हावी है, हम उनको भेद सके, छेद कर सके और 543 जो गेट है उसमें इंटर कर सके। आगे हमारी 543 पे तैयारियाँ होंगी और जितने भी विधानसभा असेंबली इलेक्शन आएगा वहाँ भी हम लोग अपने पांव पसारने की कोशिश करें। थैंक यू सर, धन्यवाद।